गुड आफ्टरनून एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। फर्स्टली हमने जितने कॉन्सेप्ट किए थे अब हम उन्हें अप्लाई करने वाले हैं। सो दिस आर्टिकल को फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? डिटर्मिनिंग ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या रहेगा, आपने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर जो आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितनी वाइब्रेशनल मोड्स हैं। सबसे पहले आप प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करोगे? सबसे पहले जब आप इसके लिए मेथड अप्लाई करोगे तो सबसे पहले डिटर्मिन द पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने क्या देखना है, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करो, एग्जांपल को लेके चलते हैं, साथ में पॉइंट को एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने वाटर कंसीडर किया तो पॉइंट ग्रुप वाटर का क्या है, C2V। ऑब्टेन द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द सिमेट्री ऑपरेशंस ऑफ द पॉइंट ग्रुप। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, आपने उसका करेक्टर टेबल रिड्यूस करना है। सप्लिट द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हमने रिलेशनशिप डेवलप किया था बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल, अब आप उसको इसके बाद आपको उस वो मेथड अप्लाई करके रिलेशनशिप डेवलप करना है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल में। एंड द फाइनल टारगेट इज यू हैव टू मेंशन जो आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आया है आप उसको असाइन कर सकते हो TOR3N वेयर 3 रिप्रेजेंट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देन रिप्रेजेंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो अभी क्या है कि आपका जो रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल है उसके अंदर रोटेशनल वाइब्रेशंस भी हैं, रोटेशनल फ्रीडम भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है और वाइब्रेशनल मोशन भी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी डिवेल्प द रिलेशनशिप बिटवीन वाइब्रेशनल नोड्स, कितनी वाइब्रेशनल नोड्स होंगी आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो मैं सबसे पहले बेसिक फार्मूला लेके चल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V। तो हमने करेक्टर टेबल ड्रॉ कर दिया। मैंने आपको बोला था कि किसी एप्लीकेशन में जहाँ भी हमने रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन डिस्कस करना है तो हमें पूरा कंप्लीट करेक्टर टेबल चाहिए। तो आपने करेक्टर टेबल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, करेक्टर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन रिस्पेक्टिव। ई के लिए करेक्टर क्या है 3, C2 के लिए करेक्टर क्या है -1, सिग्मा वी के लिए करेक्टर क्या है 1, सिग्मा वी डैश के लिए करेक्टर क्या है 1। तो अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम के लिए हमने क्या किया, मॉलिक्यूल कौन सा है वाटर का, तो आप 1 by 1 वो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। जैसे आपने ई अप्लाई किया, कोई एटम चेंज नहीं, तीनों के तीनों एटम्स क्या हैं, अनशिफ्ट है अपनी पोजिशन से 3। C2 अप्लाई किया, C2 में क्या होगा, हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन वहीं रहेगा, तो एक एटम अनशिफ्टेड। सिग्मा वी आपने कौन सा प्लेन अप्लाई किया है, ये वाला प्लेन अप्लाई किया है, उसमें ये दो हाइड्रोजन मूव कर गए। जो सेकंड प्लेन होता है सिग्मा वी डैश वाला, वो कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसमें तीनों एटम्स अनशिफ्टेड हैं। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास जो आपका रिलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा रिड्यूसिबल मैट्रिक्स में। हमने रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया था, रिडक्शन फार्मूला को आज हम सीधा अप्लाई करेंगे, फार्मूला में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या था, 1/H दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। 1 क्या था, कॉफिशेंट ई का। 9 क्या था, जो आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर आया है। उसके बाद 1 क्या था, कॉफिशेंट जिसकी बात कर रहे हो, A1 का कॉफिशेंट आपके पास 1, जिसे हम डायमेंशन भी बोल देते हैं। उसी तरह से आपने सारा मल्टीप्लाई किया। ये रिलेशन मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा फास्टली कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हमारे पास डिड्यूस होके ये रिलेशन आ गया। उसके बाद क्या करना है, जो न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके ऐड हुआ है वो कौन सा है, TOR3N। TOR3N में क्या है, सम ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल। तो टोटल मॉलिक्यूल के अंदर, आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी वो ऐसे होंगी, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, ट्रांसलेशनल एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, TOR3N। TOR3N का रिलेशन आपके पास ये रहा। आप ये वाला रिलेशन यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया। अभी RX और RY के लिए ये सब्सिट्यूशन की हुई है तो इसके लिए आपको करेक्टर टेबल चाहिए। अभी RZ के सामने देखो कौन सा सिंबल है, A2। हमें यहाँ पे ना रफ में लिख लेते हैं सो दैट कि हमें इजी हो।
आर जेड हमारा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए टू के कॉरेस्पॉन्डिंग। जेड हमारा, जेड आपके पास जो एक्स वाई जेड हैं वो ट्रांसलेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी जेड का सिंबल क्या है, ए वन। उसके बाद एक्स का, टी एक्स का सिंबल और आर वाई का सिंबल वो क्या है, बी वन। और उसके बाद आर एक्स का बी टू और ट्रांसलेशनल वाई का सिंबल भी है बी टू। क्लियर? तो अभी आप क्या करोगे, ये वाला सिंबल्स हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट की है। यहाँ पर आर एक्स के लिए अभी हमने सिंपल फाइंड आउट किया बी टू, तो यहाँ बी टू लिख दिया। आर वाई के लिए बी वन बी वन, आर जेड के लिए ए टू माइनस ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वाइब्रेशनल चाहिए, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर सामने माइनस साइन आ रहा है। ट्रांसलेशनल के लिए एक्स के लिए आपके पास बी वन, वाई के लिए बी टू, जेड के लिए ए वन, तो मैंने वो सिंबल पुट किया और टो वाइब्रेशन हमारे पास ही आ गई। अभी ए का मतलब होता है रजे एक ही ऑर्बिटल, और बी का मतलब है एक ऑर्बिटल, और ई होता सिंबल में तो टू, उसका मतलब टू था, और टी होता तो उसका मतलब था तीन। तो आप क्या चेक करोगे, जब भी आपको चेक करना हो कि आपने फॉर्मूला सही डिड्यूस किया है या नहीं, तो आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशनल मोड्स नॉन लीनियर के लिए 3n-6, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। तो सपोज़ करो हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो तीन एटम्स है इसमें, 3 इज़ द 6, 3 इज़ द 9, माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3। तो अभी 2 × 1 एक ही ऑर्बिटल है, या एक ही आप रोटेशन बोल सकते हो, तो एक ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये है, एक ही डायमेंशन की है, 2 × 1 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। तो जब भी एग्ज़ाम में आप चेक करोगे कि आपने अपना नॉर्मल मोड सही फाइंड आउट की हैं वाइब्रेशनल, तो आप इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं सबसे। उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, NH3, तो NH3 में भी आप सिमिलर ड्रॉ करोगे, करेक्टर टेबल आपने कंप्लीट ड्रॉ किया। एग्ज़ाम में क्या रहता है कि आपको जैसे C2V और C3V तो आपके सिलेबस में है, तो आपको सारे उनका करेक्टर टेबल कंप्लीटली याद होना चाहिए। बट इफ़ एग्जामिनर विल बी आस्क यू अबाउट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हायर सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स के, तो वो आपको ये करेक्टर टेबल अप्लाई करेगा, बट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू यूज़ दिस करेक्टर टेबल इन ऑर्डर टू डिड्यूस द वाइब्रेशन मोड्स। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, ये आपने हर बारी खुद से करना है, चाहे कोई सा भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाए, लेकिन यस, अगर आपको C2V या C3V के अलावा आपको मोड्स फाइंड आउट करने आएंगी, तो आपको करेक्टर टेबल दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास करेक्टर टेबल अगेन, आपने फिर से हम क्या करेंगे, ई के लिए करेक्टर 3, C3 के लिए 0, सिग्मा के लिए 1, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स के लिए इमेजिन कौन सा करोगे, अमोनिया का मॉलिक्यूल, अमोनिया के चारों अनशिफ्टेड एटम्स हैं, फिर नाइट्रोजन ही अकेला अनशिफ्टेड है, हाइड्रोजन्स तीनों मूव किए C3 में, सिग्मा वी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से बॉन्ड पास हुआ, जिस वजह से दो हाइड्रोजन मूव किए, दो नहीं किए। तो यहाँ पर दो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद मैंने ये अभी शॉर्टकट सा हो गया कि मैंने फटाफट से स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्मूला लगा के ये रिलेशन डिड्यूस कर लिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। टॉ 3n मेरा इसके इक्वल आ गया। तो अभी फिर से RX, RY, RZ के लिए सिंबल चेक करोगे। अब की बार जो RX और RY हैं उनके लिए सिंबल क्या है, E। E मीन्स टू डायमेंशन, यानी कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में टू का मतलब है आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का मैट्रिक्स, 2x2 और 1x1 में स्प्लिट हुआ हुआ है। तो आपने यहाँ पर RX और RY के लिए कंबाइन मैट्रिक्स दोगे E, TX और TY के लिए कंबाइन मैट्रिक्स दोगे E। क्लियर? तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, TX के लिए अलग ही लिखते हैं, TY के लिए अलग ही लिखते हैं, और उनका जो रिज़ल्ट है वो फिर मैच नहीं करता। तो आप फिर से यहाँ पर हम 3n-6 लगा के चेक करते हैं, चार आइटम्स हैं, 3 × 4 = 12 - 6, तो हमारा कम्बिनेशन में ये E का मतलब क्या है, 2 × 2 = 4, A का मतलब क्या है, एक ही डायमेंशन, 2 × 1, तो 4 + 2 कितना होता है, 6। तो अगर आपने एग्ज़ाम में सही रिलेशन रिड्यूस किया हुआ, तो डेफिनेटली आपका 3n-6 इस रिलेशन से मैच करेगा। नेक्स्ट है BF3 का मॉलिक्यूल। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास C2V और C3V के अलावा अगर करेक्ट टेबल आता है तो वो आपको दिया जाएगा,
ज़्यादातर आपको UGC के एग्ज़ाम में जब ग्रुप थ्योरी का नॉर्मल मोड्स पूछे जाते हैं तो हायर ऑर्डर के लिए करेक्टर टेबल प्रोवाइडेड होता है, बट येस एग्ज़ाम में अगर आप MSc की बात कर रहे हो तो MSc में आपके सिलेबस में जो है नॉर्मल मोड्स वो C2V और C3V के हैं। D3H पॉइंट ग्रुप, तो आपने फिर से वही D3H पॉइंट ग्रुप के लिए मैंने करेक्टर टेबल जैसे एक बुक में था मैंने वो कॉपी कर लिया क्योंकि हमने इसे डिराइव नहीं किया, पर यस आप इसके अनशिफ्टेड आइटम चेक कर सकते हो। ये आपका करेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मेंशन किया, अब आप इसके अनशिफ्टेड आइटम चेक करो। ई के लिए चारों के चारों BF3 में, C3 में तीनों फ्लोरीन घूमेंगे, बोरोन सेंटर में रहेगा, C2 लगाया बोरोन और फ्लोरीन में से जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस मॉलिक्यूल के ऐसे ड्रॉ कर लो साथ में ताकि आपको पता चलता रहे। तो यहाँ पर जब आप C2O लगाओगे, C2 हमने यहाँ से पास किया तो ये बॉन्ड के अनशिफ्टेड रहेंगे, ये दोनों शिफ्ट कर जाएंगे, तो इसलिए 2 लिखा। सिग्मा एच ऐसे पास किया, चारों के चारों अनशिफ्टेड हैं। S3 में क्या होगा, ये तीनों फ्लोरीन्स घूमे C3 की एक्सिस, यानी कि तीन फ्लोरीन्स तो घूम गए और मिरर में बोरोन ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर ये सेम रहा 1। उसके बाद सिग्मा वी कैसे अप्लाई किया, जहाँ से C2 थी तो बोरोन और फ्लोरीन में से इन दोनों की इमेज बनी, इस वजह से ये शिफ्ट हो गए और ये शिफ्ट नहीं हुए, तो 2। आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप क्या करना, आप होमवर्क के लिए क्या कंसिडर कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको C2V में स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाना सिखाया, आप यहाँ पर भी लगा के ये फॉर्मूला रिड्यूस कर सकते हो। तो आपने रिड्यूस किया और उसके बाद आपके पास फिर से TX, TY, TZ, अभी हमने करेक्टर टेबल फुल किया है। XY के लिए एक साथ कॉम्बिनेशन E- है, RX और RY के लिए E" है, ठीक। तो आपने ये रिड्यूस किया, तो अभी हम फिर से चेक कर सकते हैं। 3N-6 लगाया, 4 आइटम्स हैं, 3 4s 12, -6 6 हो गया। अभी चेक करो, ए का मतलब होता है 1, ए का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है, ई का मतलब होता है 2, 2 2s 4, 4 plus 2 6, दैट मीन्स आपने ये फॉर्मूला सही रिड्यूस किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए, अगेन रजे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आपके पास 24 सिमेट्री एलिमेंट्स ऑपरेशंस निकल के आएंगे, तो आपके पास ये क्लासेस आपने रिप्रेजेंट की। फिर से आप टेट्राहेड्रल के लिए CH4 को इमेजिन करोगे और 5 एटम्स हैं, ई लगाया, पाँचों के पाँचों अनशिफ्टेड, C3 लगाया, एट अ टाइम 3 हाइड्रोजन घूमेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहेंगे, 2। C2 लगाया, C2 में क्या होगा, C2 यहाँ से जा रही है, इस वजह से सारे के सारे सिर्फ कार्बन को छोड़ के अपनी पोजीशन, बाकी सब शिफ्ट करेंगे, तो ये एक आ गया। S4 का मतलब क्या है, S4 में आपके पास अगेन C4 लगा होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ सेंटर का वो बचेगा, एक कार्बन, बाकी सारे शिफ्ट कर जाएंगे। सिग्मा डी में डाइहेड्रल प्लेन, जहाँ से C2 पास होगा, तो वहाँ से आपने प्लेन पास किया, तो यहाँ पर आपके पास 3 एटम, तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपने इसे डिड्यूस कर लिया। तो क्योंकि जब आप सिग्मा पास करोगे ना, ये और ये एटम अनशिफ्टेड, ये तीनों शिफ्ट करेंगे, तो इस वजह से मतलब 3 एटम्स उसी हिसाब से रहेंगे प्लेन पास, सॉरी जब प्लेन पास करोगे, कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नहीं शिफ्ट करेंगे, ये दोनों की इमेज बन जाएगी, इस वजह से 3 एटम्स रह गए। आपने मल्टीप्लाई किया और फिर आपने उससे डिड्यूस किया TO3N, अगेन आपने वाइब्रेशनल मोड्स फाइंड आउट करनी है, TO3N माइनस ट्रांसलेशनल मोड्स माइनस रोटेशनल मोड्स, तो रिस्पेक्टिव आप वहाँ पर XYZ चेक कर सकते हो। अभी यहाँ देखो RX, RYZ के लिए तीनों के लिए एक सिंबल T1, XYZ के लिए एक सिंबल T2, तो बस आपके रिलेशन में ये क्या आ गया, डिड्यूस होके A, E और T। अभी हम इसे चेक कर सकते हैं, 3 कितने आइटम्स हैं, 5 माइनस 3 6 3 15 माइनस 6 9, तो आप इसे चेक कर लोगे A1, E का मतलब 2, 2 3 6, तो 1 6 plus 2 8 plus 9, दैट मीन्स आपने जो रिलेशन डिड्यूस किया है वो करेक्ट है। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, लेटर वीडियोज में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।